नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। पछुआ दून की बात करते हैं। विकासनगर के ढकरानी ग्राम सभा में अवैध नशे एवं सामाजिक बुराइयों जैसे सट्टा जुआ आदि के विरोध में ग्राम पंचायत ढकरानी की प्रधान और मदरसा जामिया अशरफ उल अबरार के बच्चों के साथ परिवर्तन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अयूब हसन के नेतृत्व में विशाल जन जागरूकता रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा स्लोगन के माध्यम से नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से दूर रहने एवं नशे से होने वाली बर्बादी से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बताते चले, विकासनगर क्षेत्र में इन दिनों नशे का कारोबार अपने चरम पर है। छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे आने वाला समाज विनाश की ओर जा रहा है। कई परिवार नशे के कारण बर्बादी की कगार पर हैं। शासन प्रशासन भी नशे को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। ढकरानी ग्राम पंचायत में लगभग 30% बच्चे नशे की चपेट में हैं। इन लोगों के लिए शासन प्रशासन द्वारा अवेयरनेस कैंप लगाकर काउंसलिंग की आवश्यकता है। परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष अयूब हसन ने कहा है कि इस अभियान को पूरे ग्राम सभा में चलाया जाएगा एवं नशा लेने वाले और बेचने वालों की भी काउंसलिंग की जाएगी, जिसके कारण वो सही से रास्ते पर आ सके। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो पुलिस कार्रवाई के लिए भी ऐसे लोगों को तैयार रहना होगा। उन्होंने सीओ विकासनगर व कोतवाल प्रदीप बिष्ट एवं पुलिस स्टाफ की भी प्रशंसा की और बताया कि उनका भी साथ समय समय पर मिलता रहता है। वही जामिया अशरफ पुल अबरार ढकरानी के कारी अकरम, कारी शमीम, इलियास अयूब, प्रधान शेर खान, ताहिर मुस्तकीम, साबिर आदि लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। जो आज ढकरानी गांव में रैली का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है कि ग्राम पंचायत ढकरानी जनपद देहरादून का बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहाँ पर गांव के अंदर वैसे तो नशाखोरी का काम बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। यहाँ पर हम तस्दीक करते हैं कि वास्तव में यहाँ नशा जुआ यहाँ क्या तमाम समाज में है, ये बुराइयाँ हैं। तो मैं एज ए यहाँ पर प्रधान पति हूँ, मेरी मिसेज यहाँ पर प्रधान है, उन्हीं का आदेश था कि यहाँ पर गांव के अंदर इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाए, रैली की जाए और जहाँ जहाँ ये नशे का कारोबार चल रहा है उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उनको उनकी सूची बनाई जाए, उनको अपने स्तर से पहले समझाया जाए, बताया जाए कि भाई ये सामाजिक बुराई है, इससे समाज के अंदर नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी को हम जहर दे रहे हैं, आने वाला जो समाज है वो बीमार होगा। तो उसको लेकर के हम लोगों ने आज गांव के अंदर ये कोशिश की है। ये हमारी पहल है अभी, क्योंकि नवगठित पंचायत है तो हमारी पहल है कि हम गांव के अंदर ये सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करें, आपसी भाईचारा कायम करें, शिक्षा की ओर अग्रसर करें, शिक्षा और चिकित्सा का पूरा प्रबंध करें और गाँव के अंदर स्वच्छता लाएँ, मन में भी स्वच्छता लाएँ और समाज के अंदर भी स्वच्छता लाएँ और पर्यावरण के अंदर भी स्वच्छता लाएँ, ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि आपको नहीं लगता कि मतलब जो है गांव के ही लोग आज की पीढ़ी को जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? डेफिनेटली पक्की बात है, हमारे गांव के लोग ही शामिल हैं। कार्रवाई की तो बाद में बात आएगी, सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने स्तर से उनको समझाया जाए और हमें उम्मीद है इस बात की, 100% उम्मीद है इस बात की, 100% उम्मीद है इस बात की कि हम लोग अपने गाँव के लोगों को समझाने में कामयाब होंगे और इस गाँव को हम एक साल के अंदर पूरा नशा मुक्त करेंगे। ऐसा हमने एजेंडे में अपने डाला है, अपनी कार्ययोजना में डाला है कि हम धीरे धीरे करके काउंसलिंग करके लोगों को समझा बुझा करके, हमारे गांव के लोग हमारे कहने में हैं, हमारी बात में हैं, हमारी मोहब्बत करते हैं, हमारी कदर करते हैं, इसलिए हमको जिताया है और वो हमारी इस बात को भी मानेंगे। अगर फिर भी असंभव ना हो पाया तो फिर हम उसमें पुलिस कार्रवाई चाहेंगे, कानूनी कार्रवाई चाहेंगे, कानून की सपोर्ट करेंगे। क्षेत्रीय पुलिस जितनी भी पुलिस है, हमारे क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी जी और प्रदीप बिष्ट कोतवाल साहब और हमारे जो क्षेत्र के निरीक्षक हैं पंकज कुमार जी, उन सब लोग हमारे साथ हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, इस गांव को आप स्वच्छ बनाओ, साफ़ सुथरा बनाओ, लोगों की भावनाओं में आपसी भाईचारा लाओ और इस गाँव को नशे से मुक्त, सामाजिक बुराइयों से मुक्त करो और कहीं भी अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है हम रात के 12 बजे आपके साथ हैं। जैसे नशा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे का कारोबार हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे बेरोजगारी एक कारण है? बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकती, नहीं, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण, सामाजिक बुराइयों का मामले में बेरोजगारी कहीं ना कहीं कारण है, लेकिन वो सारा कारण नहीं है। कुछ ना कुछ हमारी जो मानसिक सोच है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बेरोजगारी ये थोड़ी कि जहर खाएंगे, बेरोजगारी है तो जहर खाने लग जाएंगे लोग। बेरोजगारी नहीं, काउंसलिंग की कमी है, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, लोगों को समझाने बुझाने की जरूरत है। हमारी अपनी कमी है, हमारे बड़ों की कमी है। अगर परिवार सुधरेंगे, माँ बाप सुधरेंगे तो आने वाली जनरेशन सुधरेगी। सब लोगों को मिलकर के इस मुहिम में साथ देना पड़ेगा
अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब सोच बदलेगी तभी चीज़ें सामने आएगी। बेरोजगारी एक कारण हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी पूर्ण रूप से ऐसी नहीं है कि वो नशे की तरफ धकेलती है। एक कारण है बेरोजगारी, बिल्कुल डेफिनेट बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेरोजगारी नशे को बढ़ावा देती है, ये कहना गलत है। और हम कोशिश कर रहे हैं पूरा गाँव के अंदर, सब लोग, मेरा समाज पूरा गाँव का मेरे साथ है और वो हर तरह से कोशिश कर रहा है। घरों में हम लोग रीच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, वहाँ वहाँ हम पहुँच रहे हैं, कह रहे हैं भैया इस नशे कारोबार से दूर हो जाओ, अगर नहीं होगे कल पकड़े जाओगे, पुलिस की गिरफ्त में होंगे, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, सीधी बात है। थैंक यू। इसके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गाँव का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, कोई भी आदमी जो है नशे में ना जाए, चूँकि नशा एक बीमारी है और नशा एक सामाजिक बुराई भी है। हमारा पूरा मदरसा जो है जामिया अशरफुल अबरार, ये इसके लिए बच्चा खड़ा हुआ है और हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारे गांव से हर एक बुराई, ख़ासतौर से नशा और सट्टा और जुआ, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश है। देखिए, मेरा नाम अमर कुमार सागर है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं हमेशा नशे के खिलाफ रहा हूँ। और जो रैली आज इन्होंने निकाली है प्रधानमंत्री के लिए, तो जो रैली निकली है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और अपने गाँव को स्वच्छ और नशा मुक्त बनाने के लिए मैं कंधे से कंधा मिला करके इस जामिया जो हमारा मदरसा है हमारा और हमारे जो प्रधान जी है, कंधे से कंधा मिला करके मैं साथ चलूंगा और जो भी सामाजिक बुराई उसे जड़ से हम खत्म करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी इस नशे को खत्म करने लिए कोई कैंपेन चलाना चाहिए, कोई काउंसलिंग चलानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब तक सरकार के जो प्रोग्राम है वो जब तक हम जमीन पर नहीं उतार सकते, जब तक क्षेत्र का सहयोग हमको ना मिले, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारे प्रधानपति आयु बसंत जी हैं, मतलब जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, घर घर से वाकिफ हैं, हर घर के घर को ये जानते हैं और नशे से कितना बड़ी बुराई समाज के अंदर फैल रही है, कितना बड़ा हमारा सामाजिक लॉस हो रहा है, यह वो बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से इसे लीड कर रहे हैं। और हमारा बहुत पहला प्रयास ये है कि हम अपने गाँव को इतना सुंदर, इतना स्वच्छ और इतना वो बनाएँ ताकि हमारा आने वाले टाइम में हमारा गाँव एक मिसाल बन सके। पचवादून से राजीव खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।